सो वेलकम बैक गाइस, आज का न्यू एकदम स्पेशल गिवअवे। आज की वीडियो में हम खेलने वाले GTA 5 एंगेज। मेरे को ना सुबह सुबह भाई माइकल का कॉल आया हुआ था। माइकल बहुत ही परेशान लग रहा था यार, पता नहीं उसको क्या हो गया। उसने सुबह सुबह ही कॉल करके बोल दिया था कि भाई फ्रैंकलिन तू जा भी है, जल्दी से मेरे घर में आ जा, एक बहुत बड़ा सीन हो चुका है। अब पता नहीं भाई क्या हुआ होगा। माइकल इतना तो परेशान नहीं रहता था पहले। एंड जो भी हो भाई, अगर अपने दोस्त ने बुलाया है ना अपने को, तो भाई जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसको हेल्प चाहिए अपना। एक मिनट गाइस, भाई पता नहीं ये गाड़ी घर के ऊपर कैसे आ गया भाई। ये फ्रैंकलिन का कार है ना, व्हाइट कलर का, पता नहीं गाइस ये गाड़ी कैसे आ गया इस टेरेस के ऊपर। GTA 5 भी एकदम सस्ते नशे करते हैं ये गेम भी। चलो गाइस सबसे पहले हम नीचे चलते हैं। कैसे जाऊं मैं, इधर से ही चलता हूँ। ओ भाई बाल बाल बच गया। चलो गाइस मैं आप लोग को सबसे पहले फ्रैंकलिन का होम टूर दे देता हूँ, आप लोग को दिखाई देता हूँ चलो कि फ्रैंकलिन कहाँ रहता है। चलो सबसे पहले दिखा देता हूँ। और भाई इधर चलते ही देख सकते हो आप लोग, गणेश भगवान का मूर्ति आ चुका है। चलो नमस्कार करो सभी बंदे। एंड ये है शायद, ये पता नहीं क्या रूम है, देख सकते हो फ्रैंकलिन का मम्मी होगी। ये क्यों चिल्ला रही है यार। चलो मैं आप लोग को रूम भी दिखा देता हूँ, थोड़ा रूम टूर भी दे ही देता हूँ भाई। क्या बढ़िया रूम है यार, ये मम्मी का रूम होगा इतना सफा, तो फ्रैंकलिन का तो नहीं होगा ना। चलो मैं आप लोग को फ्रैंकलिन का रूम दिखा देता हूँ। उसमें भाई गेमिंग सेटअप भी है पूरा। ओ भाई कितना कचड़ा हुआ रखा है इधर, देख ही सकते हो आप लोग। भाई फ्रैंकलिन तो साफ नहीं करता क्या इसको। चलो गाइस बाहर चलते हैं। ओके अरे जा ही नहीं पा रहा। ओके गाइस मैं बाहर आ चुका हूँ। एंड गाइस अब हम चलने वाले हैं माइकल के घर में, क्योंकि माइकल ने ना भाई बहुत परेशानी में हमको कॉल किया था। इधर है ना माइकल का घर। ओके गाइस इधर मैंने मार्क कर दिया, चलो हमको उधर चलना है। अरे गाली क्यों दे रही है, पागल औरत ये ले गाली देती है। गाइस यार देख रहे हो मैंने उसको कुछ भी नहीं किया और गाली दे रही थी। ओके तो चलो गाइस मैं अपना ना सुपर कार को बुला ही लेता हूँ अपने गैरेज से। चलो ओके गाइस यहाँ पे अपना सुपर कार आ चुका है, देख ही सकते हो भाई कितना खतरनाक है अपना सुपर कार। ओ एम्बुलेंस आ गया इधर तो। हाँ ले जाओ ले जाओ। वो चिमकांडी गई की वो चुड़ैल गई की भाई बहुत चिल्ला रही थी ना, उसको दे दिया मैंने एक मुक्का। पूरा देख रहे यार ये लोग। अरे एम्बुलेंस वाले है ना ये, तो शायद सिक्योरिटी वाले हो गए भाई, जो भी हो यार। चलो गाइस अब हम चलते हैं हम माइकल के घर में। ओके चलो। ओके गाइस चलो अब मैं सुपर कार को भगाते हुए जाने वाला हूँ माइकल के घर में। आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि इस गाड़ी का नाम क्या है। अरे ठोक दिया यार। चलो ओके गाइस अब मैं पहुंचने वाला हूँ माइकल के घर में। देख ही सकते हो मैं अभी हाईवे में ड्राइव कर रहा हूँ। ओके सामने ही है माइकल का घर। चलो रेड लाइट है फिर भी चलते हैं। ओके मेरे को थोड़ा धीरे से चलना पड़ेगा, ये बहुत महंगी कार है यार। गाइस आप लोग इस गाड़ी का नाम कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठोक दिया यार फिर से, पता नहीं कैसे चला रहा हूँ मैं। चलो राइट में जाना है मेरे को। ओके ओके आ चुके हैं गाइस हम माइकल के घर में। पता नहीं भाई माइकल ने सुबह सुबह कल क्यों किया था मेरे को, फोन करके बोला था कि भाई फ्रैंकलिन तू जा भी है, जल्दी से मेरे घर आ जा, बहुत बड़ा सीन हो चुका है। और देख सकते हो भाई ये कौन है, ये नंगा वाला आदमी। ओ माइकल चिल्ला रहा है ऊपर, क्या हो गया। चलो देखते हैं घर के अंदर जाके। ओके क्या हुआ भाई इधर। ओ क्या हुआ इधर। गाइस इधर तो बहुत बड़ा सीन हो चुका है। माइकल के वाइफ ने ना उसको चीट कर दिया, मतलब टेनिस कोच के साथ। ओके ये अंदर चली गई, शायद हमको उसके पीछे जाना पड़ेगा उस टेनिस कोच के पीछे। ओ गाइस इधर तो बहुत बड़ा सीन हो चुका है यार, माइकल की पत्नी ने ना उसको चीट कर दिया टेनिस कोच के साथ अंदर, समझ रहे हो ना बैठ कर। ओके शायद हमको उस लाल वाले गाड़ी को चेंज करना है। चलो चलते उसके पीछे, उसको भाई आप दबा के देंगे क्योंकि अपने दोस्त के पत्नी को देखता है तू। रुक तेरी तो मैं बचा के ही रहूंगा, इसको नहीं बचाना था यार। ओके चलो उसके पीछे चलता हूँ। किधर जा रहा है वो, लिफ्ट में जा रहा है ना। रुको भाई कैसे कैसे रास्ते में लेके आते हैं और बंदे लोग। इधर का नाइवर का ये कार भी ना एकदम बीच में आ जाते हैं एकदम से। वो बहन देखो ना ये कैसे आया। अबे हट बे, जल्दी से जाना है मेरे को। अबे गाली दे रहा है क्या। रुको इसकी तो बचा के देता हूँ मैं। रुक गाली देता है ऊपर से भाई, सामने आता है और गाली देता है। रुक 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 तेरी तो भाग गया। चलो ओके भाग गया। चलो बाकी बंदे भी डर गए यार। चलो मैं गाड़ी में चलता भाई। वो सामने वाला बंदा किधर चला गया, वो रेड कार वाला निकल गया क्या। ओके गाइस मैं ढूंढते ढूंढते आ चुका हूँ उस रेड कार को। चलो मेरे को शायद इधर येलो मार्क पे जाना है। ओके चलो चलते हैं, कैसी जगह है यार ये तो, बहुत गांव लग रहा है एकदम से। ओके हमको शायद सामने ही जाना है। वो ऊपर है क्या वो बंदा, वो देखो लाल वाला गाड़ी इधर ही है। चलो चलते हैं। ओके ऊपर ही है वो बंदा, देख ही सकते हो आप लोग। ओके चलो समझते हैं कि आखिर सीन क्या हो रखा है इधर। रुको मैं उतरता हूँ। चलो गाइस अब हम देखते हैं स्टोरी को, चलो क्या सीन हो रखा है भाई इधर।
टेनिस कोच क्यों गया था माइकल के घर में? चलो थोड़ा स्टोरी को भी समझते हैं। ओ ऊपर है ये बंदा। ओके Mandy's backhand has come a long way, bro. Seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. Oh, Franklin ने पूरा बात दिया उसको और कोई मतलब इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं क्या हम अभी? चलो देखते हैं। ओके लड़की भी आ गई। शायद किसी को तो कॉल कर रही है। My bad. Seriously. Oh, भाई माइकल पूरा गाली दे रहा है उसको। भाई माइकल बहुत ही गुस्से में, आजकल अपना दोस्त है माइकल भाई, उसको हेल्प तो करना ही पड़ेगा हमको। ओके बात दिया चलो प्रॉपर्टी को, ऊपर से प्लेन भी जा रहा है। हाँ शायद अब हम इस प्रॉपर्टी को गिराने वाले हैं। चलो देखते हैं। भाई माइकल मत कर ऐसा, माइकल गिरा रहा है इस गाड़ी को ना चला के। ओ ये डिस्ट्रॉय होने वाला है क्या? पूरा प्रॉपर्टी गिरा देगा क्या? भाई माइकल एकदम गाड़ी चला रहा है, देख ही सकते हो आप लोग। ओ भाई आता तो चला गया। वो बंदे लोग किधर गए? वो भाग के होंगे भाई, ऊपर से भाग के होंगे। ऊपर जाके देखो भाई। ओके वो भाई गया, भाई प्रॉपर्टी गया, देख सकते हो भाई क्या ही तो डिस्ट्रॉय हो रहा है भाई। गया भाई उस टेनिस को उसका प्रॉपर्टी तो गया भाई। अब वो इतना अमीर भी था क्या उसके पास ये प्रॉपर्टी आने के लिए? मेरे को तो नहीं लग रहा कि वो टेनिस को जितना अमीर होगा जिसके पास ये प्रॉपर्टी होगा। चलो देखते हैं, चलो सामने जाना है क्या हमको? ओके भाई प्रॉपर्टी पूरा डिस्ट्रॉय हो गया यार। ओके तो क्या, चलो अब हम बैठते कार में, समझते भाई इसमें स्टोरी क्या है, आखिर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय क्यों किया माइकल ने। चलो हमको माइकल के घर में जाना है, माइकल ड्राइव कर रहा है चलो। ओके ओ किसी का तो कॉल आया इधर, वो टेनिस कोच का ही था क्या? ओ गाली दे रहा है वो, बच गया ना, मैंने बोला था भाई टेनिस कोच बच गया। ओके वो लड़की भी बोल रही है वो वाली। ओ ये मार्टिन मद्राजो का घर था क्या? कौन है मार्टिन मद्राजो? माइकल को कुछ पर है कि नहीं पड़ता भाई, जो भी हो मार्टिन मद्राजो भाई, माइकल भी गैंगस्टर है ना एकदम पुराना वाला। ओ भाई हमारे पीछे गुंडे लग चुके हैं, देख ही सकते हो दो दो गाड़ी आ रहे। ओ गाइस क्या हो गया, कोई मार्टिन मद्राजो के गुंडे है क्या ये लोग? हाँ शायद इनको मारना पड़ेगा, रुक तेरी तो बचा के दूंगा मैं। ओके ओके ये ले बेटे। ओ भाई हेडशॉट दे दिया एक को, आएगा तू? वो गाड़ी ठोक रहा है, रुक तेरी तो भाई बचा के दूंगा मैं, ऐसा हेडशॉट मारूंगा ना तेरे को। ये तो मार दिया, चलो एक गाड़ी को तो फेल दिया, दो बंदे को फेल दिया मैंने। ओके शायद पीछे वाला भी आएगा क्या? आएगा तो भाई बचा के रख दूंगा उसको भी। ओके चलो गाइस। ओ भाई क्या ही तो हेडशॉट दे दिया, एकदम दूर में दे दिया ना हेडशॉट। चलो एक ही बंदा बाकी होगा शायद, वो नहीं आएगा भाई। तीन बंदे को पेल दिया ना तुम्हारे भाई ने, एकदम दूर में मार दिया मैंने। हाँ फिर भी आ रहा है यार वो, आ जा भाई तेरे को भी हेडशॉट ही दूंगा मैं, रुको। ये ले बेटे भाई उसको भी हेडशॉट दे दिया यार। गाइस मैंने चार बंदे को ना क्या ही तो हेडशॉट दे दिया, देख ही सकते हो आप लोग। सो गाइस मैंने इन चार गैंगस्टर को तो मार ही दिया। चलो गाइस अब हम चलते हैं माइकल के घर में, जो कि हम लोग पहुंचने वाले। देख सकते हो मेरा सुपर कार भाई बाहर खड़ा हुआ है, चलो अंदर लेके चलता हूँ मैं इस गाड़ी को। ओके भाई ठोक दिया यार। ओके गाइस हम आ चुके हैं माइकल के घर में, चलो उतरते हैं। क्या हो रखा है इधर? वो गुंडे किस लिए आए थे भाई इधर? फाइट वाइट तो नहीं होगा ना? ओके कोई तो आया है इधर, देखते हैं। ओ फिर से आ गए गुंडे। ओ यही है क्या मार्टिन मद्राजो? ये तो माफिया लग रहा है एकदम। ओ भाई माइकल बोल रहा है भाई पता नहीं तू कौन है। ओके लॉल नाम बताने के लिए भी लाइसेंस चाहिए रहता है क्या? ओके मेबी हेल्प मिस्टर डेसांटा हियर, हु एम आई? आई थिंक मार्टिन मद्राजो। ओ गाइस ये मार्टिन मद्राजो ही है, ये माफिया बिलियनेयर है इस GTA 5 वर्ल्ड का ना भाई। शायद अभी इधर दुश्मनी हो चुकी है, ऐसे ही लग रहा है मेरे को तो। माइकल और इस मार्टिन मद्राजो के ना गाइस दुश्मनी हो चुकी है। ओ भाई वो मारेगा क्या माइकल को? भाई अगर तूने मारा ना भाई मैं भी नहीं छोड़ूंगा तेरे को। ओ मार दिया, रुक तेरी तो मैं बाद में बचा के दूंगा, अभी देखता हूँ सीन क्या हो रखा है। ओके ओहो जिस प्रॉपर्टी को हमने टेनिस कोच का प्रॉपर्टी बोल के तोड़ा था ना उस, वो प्रॉपर्टी भाई ये मार्टिन मद्राजो का था। सीन हो चुका, हमको तो पता ही नहीं था ना कि वो मार्टिन मद्राजो का प्रॉपर्टी है।
हमको नहीं माइकल को, कि माइकल गुस्से में आके उस प्रॉपर्टी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया ना। ओके वो ये बोल रहा है कि भाई 2.5 मिलियन डॉलर चाहिए उसको रिबिल्ड करने के लिए, कहां से लेके आएंगे भाई। फिर भी माइकल बिलियनियर है ना, इसको नहीं पता भाई माइकल गैंगस्टर है पुराना वाला, ये अभी रिटायर हो रखा है। मार्टिन मतलब से समझता है क्या है भाई माइकल को। ओके गाइस यहाँ पे एकदम सीन हो चुका है, जिस प्रॉपर्टी को हमने टेनिस कोच का प्रॉपर्टी बोल के तोड़ा था मतलब डिस्ट्रॉय किया था, वो एक माफिया बिलियनर मार्टिन मद्राजो का प्रॉपर्टी था। अब देखो मार्टिन मद्राजो के साथ एक दुश्मनी तो क्रिएट हो चुकी है, फिर भी उसका 2.5 मिलियन डॉलर तो हमको चुकाना पड़ेगा, जो कि मैं आप लोग को अगली वाली वीडियो में चुका के दिखाने वाला हूँ। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, पीस आउट।